पंचायत सचिव और रोजगार की जुगलबंदी के चलते पंचायत में होने वाले कार्यों में अड़ंगा लगने से एक सरपंच इतना परेशान हो गया कि वो भरी बैठक में जिला पंचायत सीईओ के सामने परेशानी बताते हुए फफक फफक कर रो पड़ा। हालांकि उसकी बात सुनकर जिला पंचायत सीईओ जगदीश कुमार गोमे ने सचिव और रोजगार सहायक की जांच करने के आदेश देते हुए जांच पूरी होने तक दोनों को जिला पंचायत में अटैच कर दिया है। दरअसल जिला पंचायत सभागार में जनपद लहार और रोन के सरपंच सचिव और रोजगार सहायकों की 15वें वित्त को लेकर समीक्षात्मक बैठक चल रही थी, जिसमें सीईओ जगदीश कुमार गोमे सभी से वन टू वन चर्चा कर रहे थे। चर्चा के दौरान रोन जनपद के चादोक पंचायत के सरपंच कृष्णकांत पचौरी से सीईओ ने पंचायत में होने वाले विकास कार्यों की योजना के बारे में पूछा तो वह अपनी परेशानी बताते बताते फफक पड़े। उन्होंने कहा कि पूर्व सरपंच का लड़का ही रोजगार सहायक है और उसकी सचिव के साथ जुगलबंदी है। 2 साल से गांव में एक भी विकास कार्य नहीं हुआ और किसी भी काम की तकनीकी मंजूरी नहीं मिली है। सचिव फोन नहीं उठाते, गांव के विकास कार्य ठप पड़े हैं। सरपंच होने के बाद भी गांव में मुंह नहीं दिखा पा रहा हूं। उन्होंने जनपद के अधिकारियों की शिकायत करते हुए कहा कि हर जगह शिकायत की है लेकिन कहीं न्याय नहीं मिला। अब मन करता है कि आत्महत्या कर लूं। सरपंच की शिकायत पर सीईओ ने सचिव से पूछताछ की तो वो बगलें झांकने लगे। इस पर सीईओ ने फटकार लगाते हुए सचिव और रोजगार सहायक की जांच के आदेश दिए और जांच पूरी होने तक दोनों को जिला पंचायत में अटैच कर दिया। जनता को जवाब नहीं दे पा रहा हूँ सर। तो वहाँ काम क्यों नहीं चल रहा है? रखा सर, काम क्यों नहीं चल रहा है? मामला सर ये है कि मैं 2 साल पूर्व सरपंच का चुनाव लड़ा था, इसके पहले मैं सर्विस करता था। तो गांव में जो पूर्व सरपंच था उससे लोग परेशान थे, बहुत बुरी तरीके से परेशान थे। तो वो लोग हमें फ़ोन कर करके घर पर बुलाते थे, क्योंकि हमारे पिताजी इस गांव में 3 बार सरपंच रह चुके पूर्व में, और बाद में हमारी माता जी एक बार सरपंच रह चुकी हैं। तो मैं चला गया था, मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था राजनीति में, मैं पिछड़ों में पढ़ना नहीं चाहता। लेकिन इसके बाद दूसरा सरपंच बन गया, मैं लड़ा नहीं। अब उसमें क्या हुआ, उस सरपंच ने कैसा काम किया मुझे नहीं पता, पर गांव की जनता मुझे बार बार करके मेरे घर में आती थी, मुझे बार बार कहती थी आप सरपंच ही लड़ो क्योंकि हमारा नुकसान हो रहा है, हमें परेशानी हो रही है। तो मैं उनकी गांव वालों की बातों में आ गया, मैं चुनाव लड़ बैठा। गांव वालों ने जिताया भी खूब बहुमत से, अच्छे बहुमत से जिताया, वर्तमान सरपंच को 3रे नंबर पर भेज दिया। लेकिन समस्या ये है कि वहाँ वर्तमान सरपंच का लड़का GRS है, पहले भी रहा है। अब वहाँ जो भी सचिव जाता है वो यूनिटी इनकी ऐसी आपस में है कि यदि हम जनता से कोई पैसा हमने कभी अभी आज तक लिया नहीं। हमारे गांव में जाओ यदि कोई ये चीज कह दे तो मैंने 1 रुपया 2 साल में किसी से रिश्वत लिया तो वहीं पे 100 जूते लगाओ। लेकिन ऐसा कुछ है ही नहीं, जनता तो दिल से चाहती है लेकिन हमें काम करने नहीं दिया जा रहा है। GRO सेक्रेटरी मिलकर आपस में इतना साठगांठ बना रखी है, रोन ब्लॉक में कोई सुनवाई होती नहीं है साहब, जनपद तक तो कोई सुनवाई है ही नहीं। आज जैसे कि मीटिंग हुई थी जिसमें हमने अंधियारी के जो ग्राम पंचायत के सचिव हैं उनकी लापरवाही पे उनको निलंबित किया है, और इसी तरीके से जो एक ग्राम पंचायत है चंदोखर ग्राम पंचायत के जो हमारे पंचायत के जो सरपंच हैं उन्होंने मीटिंग में बताया कि उनकी बात को ना तो पंचायत सचिव सुन रहे हैं, ना GRS सुन रहे हैं, और ना कोई काम में सहयोग प्रदान कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में जो स्थितियाँ निर्मित हुई है उसको ध्यान में रखते हुए ग्राम पंचायत के सचिव जो हैं उनको और ग्राम पंचायत के रोजगार सहायक इन दोनों को जिला पंचायत में जांच पूर्ण होने तक के लिए अटैचमेंट करने का कहा है, आगामी आदेश तक की जांच पूर्ण होने के बाद में फिर इनके ऊपर यथोचित निर्णय